होगा जी, सब जिम्मेदार नहीं कह रहे, सब जितना नुकसान है जी हमारा। अच्छा, ये कानून उल्टा दे दो। अच्छा, उल्टा दे दो, वापस कर लो। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कोई कहते सौ में सब इतना क्या नुकसान होगा जी, हमारी जमीन रुपए हमारे घरों में कब्जा हो जाएगा, हमको फैला कहाँ वहाँ रहने, आसमान में रहने ना धरती में रहने, कब्जा कैसे हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं, जो बरगला के वहाँ ले जाए हुए हैं, शायद उनमें तो भी बहुत ही कम आदमी को पूरे इन तीनों बिलों की जानकारी होगी। MSP इनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की है। यहाँ तो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, आप मलकपुर की फैक्ट्री लगा लो, दुराड़ा की लगा लो, मंसूरपुर की लगा लो, खतौली की लगा लो, कुछ कोऑपरेटिव भी हैं। अगर कोई मतलब सामान्य जाति है तो उसे 10 रुपये कम लिया जाएगा, और रिजेक्ट जाति है तो उसे और 5 रुपये कम लिया जाएगा। तो यहाँ तो वैरायटी बनाई हुई है, तो MSP की समस्या हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह की समस्या है नहीं, किसान के साथ में धोखा नहीं करने के। ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई ये पंजाब से हुई, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या है अमरिंदर सिंह ने मैनेज करके और उन्हें धक्का दे दिया आगे को बढ़ो, ट्रेन बना दी उनकी, देश की संपत्ति का नुकसान है, ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। अच्छा, कुछ आदमी जो है अपनी पॉपुलरिटी बनाने के लिए, युवा लड़के भी उधर, तो भगत सिंह का फोटो ले रहे हैं जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी, और दूसरी तरफ इस तरह के गंदे काम कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, देखो कुछ मान लो किसान संगठन अपनी बातें रख रहे हैं, उधर गवर्नमेंट भी उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, कानून में संशोधन करने को तैयार हो जाएगा, और नहीं इन्हें कोई भी काम किया है वापिस हटने वाला नहीं, इस तरह का शेर है, और बदलाव करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी भी बात सुनो, अपनी भी बात रखो, और बातचीत से समाधान निकले। सबसे बड़ी बात है कि आज किसान आंदोलन है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, आप लोग किसान हैं तो आपको कैसा लगता है कि ये आंदोलन किस तरह का है, किसानों के हित के लिए है या उनके लिए जो समस्या खड़ी कर सकता है। देखो अभी ऐसा है, जो बिल बनाया सरकार ने हमें उसकी पूरी जानकारी तो है नहीं। मैं तो ये समझता हूँ जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं, जो बरगला के वहाँ ले जाए हुए हैं, शायद उनमें तो भी बहुत ही कम आदमी को पूरे इन तीनों बिलों की जानकारी होगी, तो बिल भी क्रियान्वित नहीं हुआ मेरे हिसाब से, और इसे क्रियान्वित होने में इतना बड़ा देश है हमारा, उसे समय लगता है, तो इन्हें देखना चाहिए था अभी एक भी इस बिल के क्या लाभ और क्या हानि है, इसे समझना चाहिए था। एक दूसरी बात यह है, हमारा तो यहाँ गन्ना बाहुल क्षेत्र है, इसमें तो ये विकट समस्या है नहीं, जो करे MSP इनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की है। यहाँ तो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, आप मलकपुर की फैक्ट्री लगा लो, दुराड़ा की लगा लो, मंसूरपुर की लगा लो, खतौली की लगा लो, कुछ कोऑपरेटिव भी हैं, तो होता क्या है जी, यहाँ तो हमारा तो गन्ने के लिए पहले से MSP घोषित है, भाई 325 रुपये क्विंटल अर्ली जाति को हम लेंगे, अगर कोई मतलब सामान्य जाति है तो उसे 10 रुपये कम लिया जाएगा, और रिजेक्ट जाती है तो उसे और 5 रुपये कम लिया जाएगा। तो यहाँ तो वैरायटी बनाई हुई है, तो MSP की समस्या हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह की समस्या है नहीं। तो फिर इसको काला कानून क्यों बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हैं किसानों को बेच देंगे। नहीं नहीं, देखो मैं नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बताऊँ, नरेंद्र मोदी जी अपना इतिहास कभी गंदा नहीं करने गए, उन्होंने जितने भी काम किए दृढ़ता के साथ किए हैं और देश हित में किए हैं, उनका अपना कोई परिवार तो है नहीं, तो वे अपना आगे आने वाले समय में गंदा इतिहास नहीं करने के, ऐसा नहीं होना। तो कह रहे हैं कि उनका खुद का परिवार नहीं है तो किसानों के परिवार को बेच देंगे। नहीं नहीं नहीं, बेच नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकते, किसान के साथ में धोखा नहीं करने के, कोई भी राजा रहा हो, पहले भी रहा हो, वो अपने इतिहास को गंदा नहीं करने का, मेरा ऐसा मानना है। आंदोलन से कुछ महिलाएं हैं जो वामपंथी संगठन से आती हैं, वो कह रही हैं हाय हाय मर्जा मोदी, इस तरह के नारे लग रहे हैं, और एक तरफ पंजाब में जियो का विरोध हो रहा है, उसके टावरों को तोड़ दिया जा रहा है। नहीं, क्या हो रहा है, ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई ये पंजाब से हुई, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या है अमरिंदर सिंह ने मैनेज करके और उन्हें धक्का दे दिया आगे को बढ़ो, ट्रेन बना दी उनकी। अच्छा, यह वैसे मार्शल कौम है, इसमें कोई दोरा नहीं, मोदी सरकार भी इसी वजह से वहाँ कोई कदम नहीं उठा रही, अगर यह ऐसी कौम है, अगर इसका लहू निकल गया ना तो दुनिया जो समा आ जाएगी, सब जानते हैं, इसका उदाहरण है देश के अंदर, इंदिरा एकमात्र सर्वमान्य लीडर थी, खालिस्तान वाला मसला हुआ और खालिस्तान के मसले पर जाके उन्होंने थोड़ा एक्शन ले दिया, मंदिर पर, स्वर्ण मंदिर पर आपने देखा होगा, अगर उन्होंने ना अपनी नौकरी की परवाह की ना अपनी जान की परवाह की, उन्होंने उन पर गोली चला दी थी, मार दी, जो सर्वमान्य लीडर थी, तो यह मार्शल कौम है, इसमें कोई दोरा नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें पंजाब के जितने भी पंजाबी भाई हैं या सिख हैं, उनका इतिहास रहा है हमारे देश को आज़ाद करने में, आज इस तरह की हरकत पर उतर आएंगे कि टावर से जनरेटर उतार के गुरुद्वारे में रख देंगे, जो गुरुद्वारा 24 घंटे लंगर खिलाता हो वो आज जनरेटर चोरी करके रख लेंगे। हाँ, ये बहुत बुरी बात है, देखो ये देश का नुकसान है, देश की संपत्ति का नुकसान है, ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, हाँ ऐसी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, हम तो देखो इसके पक्ष में नहीं है।
अकबर देश की कई समस्या। आंदोलन से हमने एक तस्वीर देखी, हाथ में एक युवा लड़का भगत सिंह का फोटो लेकर के खड़ा है, और वही लोग हैं पंजाब में 1600 टावरों को स्वाहा कर देते हैं, पूरे पंजाब का इंटरनेट और वहाँ की बैंकिंग सुविधा को ठप कर देते हैं। क्या पंजाब को इस चीज़ से नुकसान नहीं हो सकता? भारी नुकसान है पंजाब सरकार को, भारी नुकसान है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ आदमी जो है अपनी पॉपुलरिटी बनाने के लिए, युवा लड़के भी, उधर तो भगत सिंह का फोटो ले रहे हैं जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी, और दूसरी तरफ इस तरह के गंदे काम कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये युवा तो ये भी देखा गया है कि 8 और 12 साल के युवराजों को दीवार में चिनवा दिया, वही पंजाब है जिसने ऐसे ऐसे बलिदान दिए हैं, आज उनकी छवि कहीं दूसरे रूप में देखने को मिल रही है। हाँ हाँ हाँ, में रास्ता भटक रहे हैं, आजकल का युवा रास्ता भटक रहा है। इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, देखी जा रही हैं, वे अच्छी नहीं है देश के लिए, आने वाले समय के लिए अच्छी नहीं है वे घटनाएं। तो क्या लगता है कि ये जो बिल है वो सही साबित हो सकता है या इसको वापस ले लेना चाहिए? नहीं नहीं, देखो कुछ मान लो किसान संगठन अपनी बातें रख रहे हैं, उधर गवर्नमेंट भी उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, बातचीत से उनमें संशोधन हो सकते हैं। उनमें संशोधन अड़े हुए हैं, वापस लेना होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं काला कानून है, इटली चले गए। नहीं नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी है, कानून में संशोधन करने को तैयार हो जाएगा, और नहीं इन्हें कोई भी काम किया है वापिस हटने वाला नहीं, इस तरह का शेर है। अच्छा। आगे को बढ़ेगा, मानेगा नहीं, पीछे नहीं हटने वाला, पीछे संशोधन कर देगा पूरे बिल को, किसी भी हालत में वापस नहीं लेने के आदमी। अच्छा। लेनेंगे नहीं ये लोग। अगर वापस ले लिया गया तो हमारे यहाँ तो संविधान में कम से कम 1947 के बाद बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो क्या सारे बिल वापस कर देने चाहिए? नहीं नहीं, क्या होता है अगर संशोधन को गवर्नमेंट किसी तरह से झुकी, तो जो अभी अभी नए कई कानून बने हैं, तो वहाँ के लोग कहेंगे, वहाँ भी इस तरह से आंदोलन कर देंगे, बोले इन्हें भी वापस लो, तो क्या अभी बचार नहीं मिल जाएगा देश के अंदर, क्रांति हो जाएगी? ये ठीक नहीं है तरीका, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें बदलाव होना चाहिए। GST बनाई, उसमें 20 बदलाव किए हैं गवर्नमेंट ने, समय समय पर बदलाव किए हैं। अगर इसमें भी खामी है तो इसमें बदलाव होने चाहिए, और बदलाव करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी भी बात सुनो, अपनी भी बात रखो, और बातचीत से समाधान निकले। चाइना के साथ क्या हो रहा है हमारा, चाइना के साथ क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, लंबा समय हो गया, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया से उसे सुलझा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद तो कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर से हमारी जो सैनिक हैं वो बंदूक छोड़ करके यहाँ आ गए, क्योंकि वो भी तो किसान के बेटे हैं, तो तब क्या हाल होगा, और लाशों के ढेर बस जाएंगे, लग जाएंगे, और खून अपना भी खून बहाने के लिए तैयार हैं जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। लुधियाना के सांसद, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी निगाह में काला कानून है, ऐसा कुछ नहीं है, ये देश हित में सोच के ही बनाया गया है, और ये मोदी जी का सौभाग्य है। अब उनके सामने जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसके लीडर है राहुल गांधी। जब तक राहुल गांधी है तब तक मोदी जी फ्री हैं, उन्हें कोई हटाने वाला नहीं है। अगर वहीं कोई संशोधन करके मैं करने के नहीं, उस परिवार से अलग किसी दूसरे आदमी को लीडर नहीं बनाने के, अत्यधिक मोदी जी का सौभाग्य है कि उन्हें इतना, जो उनका विपक्ष है, विपक्ष का जो लीडर है, इतना बोधा मिला, और उनका तो सौभाग्य है। अच्छा, एक बात तो है, दूसरी बात यह है, अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से नाम का भी अपना प्रभाव होता है। इसका नाम है नरेंद्र, उसकी अगर संधि विच्छेद करो, नर के रूप में इंद्र, तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि वो देश के लिए बहुत ही अच्छा आदमी आया है, और अभी इसका कोई विकल्प देश के अंदर नहीं है, मेरा भी यही मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है? गुलजार। गुलजार जी, आपका क्या नाम है? बगुल्ला है। जो नरेंद्र मोदी सरकार जो बिल लेके आई, किसानों के हित में होगा या नुकसानदायक होगा? होगा जी, सब जिम्मेदार जी कह रहे, सब जितना नुकसान है जी हमारा। अच्छा। ये कानून उल्टा दे दो। अच्छा, उल्टा दे दो, वापस कर लो। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कोई कह दे कि 100 में एक निश्चित, क्या नुकसान होगा जी? हमारी जमीन रुपए हमारे घरों में कब्जा हो जाएगा, हमको फैला कहाँ, हमारे आसमान में रहने न धरती में रहने, कब्जा कैसे हो जाएगा जी हमें?